गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द केमिकल साइंस। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम प्रिंस रिएक्शन। तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास रिएक्शन में। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए रिएक्शन में एल्डिहाइड या फिर कीटोन, या फिर हमारे पास कुछ और ग्रुप भी होते हैं जो किसी किसी रिएक्शन में CH2Cl2 इस तरह के हो सकते हैं। हमारे पास जनरली हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन होता है, और इसी के साथ हमारे पास अल्किन दी हुई होगी, और ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये रिएक्शन जो होती है वो एसिड के प्रेजेंस में होगी। रिएक्शन मैंने ऊपर लिख दी है क्योंकि ये थोड़ा सा दूर तक जा रहा था, मैंने वहाँ तक ले गया और मैं इस चीज़ को नीचे कर दिया इस वीडियो में। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये अल्किन है और ये रहा हमारे पास एल्डिहाइड, इसको हम कर रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में। तब हमारे पास क्या बनेगा, या तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ और, या तो ये बन सकता है, या तो ये बन सकता है, या फिर ये प्रोडक्ट बन सकता है। इस रिएक्शन में हमारे पास तीन तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, या तो ये बनेगा, या तो ये बनेगा, या तो ये बनेगा, तीनों नहीं बनेंगे, तीनों में से कोई एक बनेगा। अब देखते हैं मैकेनिज्म कि कब कौन बनेगा इसको। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं कि हमारे पास तीन प्रोडक्ट बनते हैं तो तीनों कब कब बनेगा मैकेनिज्म। सबसे पहले लेते हैं हम कार्बोनिल, इधर हो गया हमारे पास H, ये डबल बॉन्ड O, इधर ये R4, इसको हम नाम दे देते हैं, इस प्रोडक्ट का नाम A कर देते हैं, इसका कर देते हैं B, इसका कर देते हैं C। बस ऐसे ही नाम दिया है क्योंकि जब हमें आ रहा प्रोडक्ट बनेगा हम उसको A नाम दे कहेंगे तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं पहले एसिड के प्रेजेंस में, यानी कोई H प्लस से हम इसको रिएक्शन करा देते हैं। तो हमारे इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर से इस पर बॉन्ड बना लेगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से H, ये हो जाएगा R4 और ये डबल बॉन्ड O, और इस O से लगेगा एक H और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्किन से, अल्किन जो हमारे पास यहाँ पर ये दी गई है। चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, यहाँ तक तो अल्किन हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर H है, यहाँ पर R3, इधर R1, इधर R2, यह है हमारे पास अल्किन। अब हम अल्किन है, अब ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक करता है, तो ये डबल बॉन्ड को हम थोड़ा सा समझाने में दिक्कत होगी, तो मैं इसको इस बॉन्ड को थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ, इस बॉन्ड को यहाँ से डबल बॉन्ड वाले अल्किन को मैं हटा देता हूँ, और मैं इस पर देता हूँ माइनस चार्ज और इस पर करता हूँ प्लस चार्ज। ठीक, ये बॉन्ड मान लेंगे कि इस साइड से ब्रेक हो गया, तो अब ये वाला माइनस जो है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस साइड टूट जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है वो कार्बन इससे एक बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से देखिए, पहले लिखते हैं इस कार्बन, इसके तरह से लिखते हैं ना, तो ये रहा हमारे पास ये वाला कार्बन और इससे जुड़ा हुआ इधर एक R1 और इससे जुड़ा हुआ है ये वाला R2, इधर R2, और इस कार्बन पर है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, फिर इससे लगा हुआ ये कार्बन और इस कार्बन से लगा हुआ हमारे पास है एक H और एक R3, तो R3 हम यहाँ पर और H यहाँ पर दिखाते हैं, और ये बॉन्ड बना रहा है एक इस कार्बन से, तो अब हम इसको दिखाते हैं कि अब ये बॉन्ड बनाया इस कार्बन से, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक R4 और एक H, R4 हम यहाँ पे दिखाते हैं, H को हम नहीं दिखाएंगे, और इधर लिखा हुआ है डबल बॉन्ड OH, यानी कि एक बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा OH, तो ये हो गया O और ये हो गया H, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ये पूरा कायदे सिखा लें आप, यहाँ पर आएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर। तो ये बन गए हमारे पास इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट है इसको हम नाम दे देते हैं D, और ये जो इंटरमीडिएट होगा वो तीनों प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कॉमन इंटरमीडिएट होगा, तीनों में जब ये वाला प्रोडक्ट बन रहा होगा तभी हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनेगा, जब ये प्रोडक्ट बनना होगा तभी हमारे पास यही इंटरमीडिएट बनेगा,
और जब ये प्रोडक्ट बनना होगा तभी हमारे पास यही इंटरमीडिएट बनेगा। अगर आपने इसे नोट कर लिया हो तो मैं इसे यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो इंटरमीडिएट तो हमारा तैयार हो गया है। अब चलते हैं हम अपने सबसे पहले प्रोडक्ट की ओर, इसकी तरफ। यहाँ पर लिखते हैं नंबर वन। सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले प्रोडक्ट की ओर। तो सबसे पहले हम लेंगे अपना वाला, ये वाला इंटरमीडिएट। सबसे पहले वही चीज़ हम लिख लेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद चलेंगे आगे की साइड। ये हो गया हमारे पास वो वाला इंटरमीडिएट और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसको कराते हैं वाटर से, HOH से, HOH। चलिए मैं इस HOH को यहीं पर ब्रेक कर लेता हूँ। ये वाला इस साइड से ब्रेक होगा तो इस पर हो जाएगा OH माइनस और ये वाला हो जाएगा H प्लस। अब OH माइनस, अब ये क्या है, एक बेस है। अब ये बेस की तरह एक्ट करेगा और ये वाला इस H यहाँ से इस H पे अटैक करेगा और ये वाला H इससे इस तरह से निकल जाएगा। यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस आएगा और इसके बगल में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर डबल बाउंड बन जाएगा। और यहाँ से जब हमने OH माइनस और इधर से माइनस H2O निकल जाएगा और हमारे पास इन दोनों के बीच में डबल बाउंड बन जाएगा। 1 2 3 4, इधर R4, ऊपर की साइड OH है, इस साइड R3, इधर H है, इधर R2 है, इधर R1 है और इन दोनों के बीच में आ रहा है हमारे पास डबल बॉन्ड। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ए। ये वाला दोनों मिला लीजिए आप, सेम है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया है। तो इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगी। दोनों में पहले हमारे पास ये रिएक्टेंट हमारा, मतलब ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा वो कॉमन बनेगा, फिर इस कॉमन फिर इसकी वाटर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ से H प्लस निकाल लेगा और यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ए। अब चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट की ओर, ये दूसरा वाला हमारा कैसे बनेगा। दूसरे वाले के लिए हमारे पास ये इंटरमीडिएट कॉमन होगा, फिर से लिखें इंटरमीडिएट। चलो लिखते हैं R4, इधर OH, इधर R3 हो जाएगा आपका, इधर H हो जाएगा, इधर R2, इधर R1 और इसके पास है पॉजिटिव चार्ज। अब इसको भी हम कराएंगे OH माइनस से। इधर OH माइनस हो रहा था, ये भी OH माइनस से होगा, लेकिन अब ये OH माइनस क्या करेगा, ये इस H को अपना अब्स्ट्रैक्ट ना करके ये सीधा इस पॉजिटिव वाले पर अटैक कर देगा। इसके पास माइनस चार्ज है और इस पॉजिटिव वाले से आकर इधर एक बॉन्ड बना लेगा, ये OH यहीं पर जुड़ जाएगा। तब हमारे पास B वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक OH यहाँ पर प्लस था हमारे पास इंटरमीडिएट में, यहाँ पर यही OH आकर यहीं पर लग जाएगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसको यहाँ पर लिख लें, इधर OH, इधर भी एक OH आ गया और इधर ये रहा R1, ये रहा R2, इधर R3 और यहाँ पर एक H। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट, इसको नाम दे देते हैं B। अब करते हैं इसको हाफ। अब करते हैं तीसरा, 1 2 हो गया, करते हैं तीसरा। तीसरा हमारे पास जाओ, तीसरे के प्रोडक्ट की तरफ कैसे जाएंगे हम। इंटरमीडिएट तो हमारा सेम है, यही वाला होगा, इसी में कर देगा, नहीं इसमें नहीं करेंगे, अलग ऐसे करते हैं। 1 2 3 4, वही चीज़ें बार बार लिखनी पड़ रही मुझे, लेकिन क्या करना है, लिखते हैं। इधर R1, इधर R2 और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। हाँ, अब ये वाला जो है वो किस तरह से बनेगा उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड जो है, ये वाला, ये लाइटिंगा थोड़ी सी चुचुक 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 कर रही है, चुचुक चुचुक। हाँ, अब जो इसके पास हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है ये एक्सेस में हो, यानी कि ये ज़्यादा इसमें ज़्यादा मात्रा में हो, एक्सेस में हो, तब ये रिएक्शन होगी, तो तब हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। कैसे वो देखते हैं, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये रहा R4 और ये रहा H। तो इस ऑक्सीजन के पास क्या है, हमारे पास लोन पेयर,
तो अपने ये लोन पेयर से डी को याद हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो ये अपने लोन पेयर से इस पॉजिटिव वाले पर अटैक करेगा और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इसे एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पॉजिटिव जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 ये तो रहेगा। अब इससे जुड़ेगा एक हमारे पास ऑक्सीजन वाला पोर्शन, ऑक्सीजन वाला पार्ट, देखते हैं। 1, 2, 3, 4 इधर आएगा R4, इधर आएगा आपका OH है, इस साइड आपका R3। H हटाते हैं, H नहीं बार बार का दिखाएँ उसी को, इधर R1। अब ये जुड़ रहा है हमारा R2 का भी दिखा दें, ये जुड़ेगा ऑक्सीजन से, तो इसको जोड़ते हैं पहले ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड कार्बन से, तो इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, और ये कार्बन जुड़ा हुआ है R4 से। H को हम नहीं दिखाते, H इसके पास है लेकिन हम उसको दिखाएंगे नहीं, ठीक। हाँ, और यहाँ पर एक R2 है, यहाँ पर दिखा देते हैं इसको, H को हम नहीं दिखाएं तो चलेगा, लेकिन R2 को ना दिखाएं तो ये नहीं चलेगा। तो देखिए अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर से इस पर अटैक करेगा, और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला बॉन्ड ये ले लेगा, और ये वाला लोन पेयर अपना इधर देकर एक बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर एक 6-मेंबर रिंग बन जाएगी इस ऑक्सीजन से, इधर एक 6-मेंबर रिंग बनेगी। तो देखते हैं कैसे बनेगी। तो ये पूरी हमारे पास दिखाना पड़ेगा। तो देखिए ये ऑक्सीजन से शुरू करते हैं, ये ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल, फिर ऑक्सीजन से लगा हुआ ये कार्बन, इस कार्बन से लगा हुआ ये R1 R2, ये रहा R1 और ये रहा R2, फिर इस वाले कार्बन से जो कार्बन लगा उससे लगा हुआ ये R3, ये R3, फिर इससे जो कार्बन लगा हुआ उससे लगा हुआ ये R4, फिर इससे लगा हुआ एक ऑक्सीजन था और इससे लगा हुआ एक H है, और ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अपना लोन पेयर देकर यहाँ पर बनाया है बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड इस साइड से ब्रेक हो गया, और इसके ऊपर ही हमारे पास क्या है R4। अब यहाँ तक हो गया, अब क्या होगा इसके अगले स्टेप में, आपको तो ये पता ही होगा, पता ही होना चाहिए भी। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर ओ हो जाएगा, और हमारे पास वही प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए बना देते हैं, जब इतना बनाए तो उतना बनाने का आ जाता है। इधर R3, ये R4, इधर भी R4, ये रहा R1 और ये रहा R2। ये हो गया हमारे पास C, ये रहा हमारे पास ये प्रोडक्ट। तो ये है, हो गया हमारा प्रिंस रिएक्शन, उसकी रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म। इसमें बनते हैं 3 तरह के प्रोडक्ट, पहला हमारा ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। आप एक बार पूरा देख लें कायदे से, और अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस रिएक्शन को हम शॉर्ट में कैसे करें, यहाँ पर हमारे पास जो हमारे जिस रिएक्शन में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता था, तो उसमें हम किसी को हटाकर, किसी को यहाँ से गायब करके, तो हम उसको अटैच करके रिएक्शन कर लेते थे। लेकिन अब इसमें हमारे पास 3-3 प्रोडक्ट बनता है, तो इसमें हम शॉर्ट ट्रिक में नहीं देखेंगे, इतना हम देख लेंगे, इतना हमारे लिए काफ़ी है। एक आध एग्जांपल और देखते हैं जिसको मैकेनिज्म के थ्रू ही देखेंगे, लेकिन अब इसमें शॉर्ट ट्रिक हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। कि अगर इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक ये याद रखें, फिर उसके लिए वो याद रखें, तीसरे के लिए वो याद रखें, इससे अच्छा मैकेनिज्म ही कर लेंगे, ठीक। एक आध एग्जांपल और देखते हैं जो कि इसी तरह का है, फिर उसके बाद हमारे पास ये प्रिंस रिएक्शन ख़त्म होगी। तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास ये कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास ये दिख रहा है, और हमारे पास ये अल्कीन वाले यहाँ दिख रही है। तो अब इसमें हमारे पास प्रोडक्ट कौन वाले बनेगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला, जो भी मैं यहाँ पर दिखा रहा था। तो इसको देखें आप और इसको देखें, ये है हमारे पास एन टाइम्स, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि एक्सेस में है, यानी कि ज़्यादा कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास ज़्यादा मात्रा में है, तो हमारे पास सी वाला बनने की संभावना है। जब हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड ज़्यादा होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट सी वाला बनता है, जो सी वाला, अभी सी वाला कौन सा सी वाला, जो अभी सी यहाँ पर दिखाया जा रहा था वो वाला सी बात कर रहा, तो वो बनेगा।
तो वो बनेगा तो कैसे बनेगा, अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस अल्किन को लिखते हैं, इधर हमारे पास ओ एस सी है और इधर ये रही हमारे पास ये अल्किन। तो इस अल्किन को हम कुछ इस तरह से ब्रेक करते हैं कि ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाए और यहाँ पर आए माइनस चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड जो अपना, इसको ये एच एच, तो ये माइनस चार्ज जो है वो इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरह से घूमेगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, जब इसे रिएक्ट करेंगे हम तो हमारे पास होगा कुछ इस तरह का, इधर हो जाएगा ओ ए सी, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये वाला माइनस जो था वो एक बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन से, तो ये बॉन्ड बनाया है इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से। अब इससे लगा हुआ एक ओ और ओ पर माइनस, क्योंकि ये बॉन्ड इस तरह से टूट चुका है, इस ओ पर क्या आया माइनस चार्ज और इसके पास दो एच टू है, यहाँ पर दो एच, यही ना, और इसने अपने माइनस से बॉन्ड बनाया था तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसी देखो तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर अब हम इसको एच प्लस से कर देंगे क्योंकि ये एसिड प्रतिनिधि में होती है ना, तो इसको एच प्लस से कर देंगे तो ये ओ माइनस जो है वो ओ एच हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ एच। फिर अब इसके बाद हम फिर से कार्बोनिल कराएंगे जो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कार्बोनिल जो है वो एक्सेस में आए एन टाइम्स हैं तो हम इसको कितनी बार भी करा सकते हैं। तो अभी कार्बन पर हमारे पास है क्या पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के पास क्या हमारे पास लोन पेयर, तो ये अपने ये लोन पेयर से इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर देगा और ये इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। चलिए देखते हैं फिर क्या होगा, इधर हम पहले बना लेते हैं, इधर ओ ए सी हमारा, ये ओ ए सी और इधर जो है पहले उतना बना ले पहले इस ओ एच, इसी एच टू को मैंने इसी तरह से दिखा दिया। अब ये ओ आकर यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, नहीं सिंगल बॉन्ड ओ से जुड़ेगा ना, ये पहले ओ से जुड़ेगा और इस ओ पर आएगा पॉजिटिव और ये ओ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड उसके बाद सी एच टू, सी एच टू अब ये जुड़ा हुआ है। अब इस ऑक्सीजन के पास है हमारे पास है लोन पेयर, अब ये इससे यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड इस तरह से घूम जाएगा, फिर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये सिक्स मेंबर रिंग बन जाएगी, ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रोडक्ट, इधर आएगा आपका ओ ए सी, तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक, तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो आपको किसी शॉर्ट ट्रिक से करने से अच्छा है कि आप पूरा मैकेनिज्म कर लें ताकि आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर है कि हाँ हमारा पास ये सही है। तो बस प्रिंस रिएक्शन में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नई नेम रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।